म्युनिसिपल एक बार फिर से खुली जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूल। इस समय हम जेडीए कॉम्प्लेक्स में है। ये वो मार्केट है जहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर होलसेल जो मार्केट, यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर मिलता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये जो आप देख रहे दृश्य देख रहे, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का ये एक नमूना। यहाँ पर हम तो क्या, हम दाद देते हैं यहाँ के दुकानदारों की, यहाँ पे जो व्यापारी हैं उस वर्ग की, कि इतनी स्मेल में भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और आप देखिए ये जेडीए कॉम्प्लेक्स कम ये लग रहा है या तालाब बना हुआ है। बस ये देर है कि अभी भैंसें आएंगी यहाँ पर, इसमें छलांग लगाकर थारियां मारेंगी। यानी ये हालत है। और यहाँ पर वो खुद सोचिए जो लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन्होंने किस तरह से स्कूटियां गाड़ियां यहाँ लगाई हुई हैं, और जो लोग यहाँ पर सामान लेने आते होंगे किस तरह से जाते होंगे। चलना तो आप दूरी भूल जाइए, दुर्लभ है, पर यहाँ पर अगर टू व्हीलर पर भी आप आते हैं तो कहीं ना कहीं गिरने का अंदेशा रहता है लोगों का। और खुद सोचिए, अभी तो बारिश नहीं, अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, और किस कदर पानी ये तालाब बना हुआ है और गंदी स्मेल यहाँ पर, किस कदर आगे आने वाले समय में किस कदर यहाँ बीमारियों का घर होगा। चलना तो दूर की बात है, लोग टू व्हीलर पर भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। पर कहाँ सोई है यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी आप लोग दुकानदारों से पैसे भी लेते हैं, रेडी फड़ी वालों से पैसे भी लेते हैं, रोड साइड पार्किंग भी ले रहे हैं, चलने का पैसा ले रहे हैं, गाड़ियाँ चलने का पैसा ले रहे हैं, हॉस्पिटल के बाहर का पैसा ले रहे हैं, स्कूटी खड़ी करने का पैसा ले रहे हैं, रेडी वाले से पैसा ले रहे हैं। स्मार्ट सिटी फिर आप कहाँ बना रहे हैं? यानी कि जनता को सिर्फ आप लूट रहे हैं, तो इन चीजों का ध्यान कौन रखेगा? ये आप देखिए यहाँ के लाइव दृश्य, समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से हम बता रहे हैं कि आम जनता को, दुकानदारों को तो परेशानी होगी, पर खुद सोचिए इसी वजह से जो यहाँ के दुकानदार हैं उनका बिजनेस किस कदर इफेक्ट करता होगा। यानी कौन आएगा इस नाले में, कौन आएगा इस तालाब में छलांगे लगाता हुआ सामान लेने? और देखिए ये सर है जो, कितनी मुश्किल हो रही है इनको निकलते हुए ध्यान से। अंकल रोज आते जाते हैं यहाँ से? ये तो तालाब लग रहा है, ये तो सड़क लगी नहीं रही, ये तो रोड लगी नहीं रहा। बड़ा बुरा हाल है, देखो क्या हाल है। कई बार गिर यहाँ पे, अगर बारिश आती होगी क्या होता होगा ये देखिए। सफाई कम हो रही है ना सफाई, इसका कसूर है सफाई कम हो रही है। अब कहते क्यों नहीं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जाकर? नहीं कहते तो है मैम, सुनते नहीं है। बस चलता है, सही है। सफाई करने वाले कर्मचारी है ना, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। मेन प्रॉब्लम यही है, वो अपने उनकी मर्जी आएगी तो काम करेंगे, नहीं तो ये देखो क्या हालत है उठाने का, ये देखो क्या कचरा है। ये तो देखो पानी का जरा, ये ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, सारा गंदा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलिए हम आपको यहाँ के इस समय लाइव दृश्य बता रहे हैं। यहाँ पे और भी सर खड़े हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी सर नमस्कार। क्या नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आरपी सिंह है। सर आरपी सिंह सर, कितनी देर से आप यहाँ पर दुकान कर रहे हैं? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल है। ये कितनी देर से ये कबाड़ जो, ये तकरीबन रोज होता है यहाँ पे, सफाई नहीं होती है। सुबह आता है वो डंपर, आधे सामान उठाते हैं, आधा सामान यही रह जाता है। आप पैसे देते हैं, आपसे गुराई लेते हैं? नहीं गुराई नहीं लेते, हमसे गुराई क्या लेंगे वो? हाँ। हम तो साहब की शाम को चल चुके हैं, बिल्कुल हमसे क्या गुराई लेंगे। पर ये बोल रहे हैं स्मार्ट सिटी बनना है, पर यहाँ पर इतनी स्मेल है अंकल, बहुत गंदी है, खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। कोरोना हाल में अगर इसका ये हाल है तो बाद में क्या, देखो इसमें बहुत दो बीमार, सुबह की 2-3 लड़कियाँ गिर गई स्कूटी में गिर गई, तो देखो वो सब लोग कहते हैं चलो जी ठीक है, क्या फिर क्या करना अब किसको? ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, हाँ ये स्मार्ट सिटी बनेगा जी, बड़ी जल्दी बनेगा, ऐसे बनेगा हर जगह जगह ऐसे स्मार्ट सिटी। जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये रोड, यानी कि आपके बाहर का जो पोर्शन कम है, रोड कम दिख रहा है पर तालाब ज्यादा दिख रहा है। जी तालाब शायद लगता है ये नाले का पानी सारा बाहर आ रहा है, वो ऊपर से आता पानी, इन्होंने कोई भी नाला कभी साफ नहीं किया, जितना गंदा है उसके बीच में। आपने बात नहीं की बाहर गया, वो फोन नहीं उठाते, नहीं फोन उसको एक नंबर दूसरे का देता है, दूसरा तीसरे का देता है, तीसरा चौथा, वो बोलता डॉक्टर को फोन करो, डॉक्टर की मैडम बोलती है, वो जो उसकी पी है बोलती है उसको फोन करो, तो बड़ी प्रॉब्लम है, किसको बोलेगा ये? मतलब सुनवाई नहीं है? नहीं नहीं, कहा क्या कहना चाहते हैं कि झूठे दावे हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, झूठे दावे ही। स्मार्ट सिटी के नाम पे पैसे तो लिए जा रहे हैं, पार्किंग के पैसे हर जगह पैसे लिए जा रहे हैं, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, ये ऐसे लोगों को ऐसे धोखे में रखा जा रहा है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है। देखो बाहर देखो लोगों का हाल, गाड़ियां देखो बाहर देखो ऊपर देखो, क्योंकि अभी अभी तो सर ये गर्मी शुरू हुई है, ये तो अंदाजा लगा सकते हैं अगर थोड़ा सा और मौसम अगर खराब होगा या बारिश आ जाएगी, लगता है आपकी दुकानों के अंदर भी पानी में पानी तो यहाँ तक आ जाता है। बिल्कुल वो सब नाले बंद रहते हैं। काम काज में कितना परेशानी आती है उस समय आपको? काम काज में भी क्यों नहीं, कस्टमर अंदर नहीं आता, मार्केट में नहीं आता, जब इतना गंद होगा मुश्किल होगी। हम भी तो यही रुक गए हैं, हम तो आगे भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन गिरने का डर है। आप भी जा सकते हैं, क्या कहेंगे हम मेयर साहब तक? ये जरूर आपकी वीडियो पहुंचाएंगे, उनको मेयर साहब को देखना चाहिए, उससे एक्शन ले थोड़ा सा। मेयर साहब आप कहते थे ये काम किया, परसों गिनवा तो रहे थे। वो ठीक है, वो पर
वो सारे कागजों में काम में होते हैं, ऐसे ओपनली काम ग्राउंड लेवल पर करना जरूरी है। ग्राउंड लेवल भाई आप देखिए क्या हो रहा है, क्या गंदा है, कहाँ पे है, यहाँ भी नहीं है, हर जगह पे जरूर आपका ये काम होगा क्योंकि हम तो वीडियो पहुंचाएंगे उधर। जी सर आपका नाम? अंकुश मैम। अंकुश जी ये क्या कहेंगे इस चीज को? मैं बहुत बुरी हालत है, मैं सुबह से कोई कस्टमर नहीं आया हमारे पास, बहुत मंदी मंदी बहुत मार्केट मंदी है मैम, बिल्कुल मैम इतनी बुरी हालत है, कोई यहाँ से जाता है ऐसे करके जा रहा है, गाहक यहाँ से मुड़ी जा रहा है, हमारी दुकान पे गाहक नहीं आ रहा है दो साल से, वैसे ही कोरोना की मार। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है मैम, बहुत बुरी हालत है मैम। क्या कहेंगे जो ये दावे करते हैं बड़े बड़े प्रेस वार्ता के माध्यम से कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, जम्मू जो है हमारा स्मार्ट सिटी की ओर बढ़ रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, तो ये प्रोजेक्ट किसके अंडर आता है? मैम कोई पता नहीं है मैम इसका, मैं कोई नॉलेज ही नहीं है मैम, बुरी बुरी हालत है मैम, मैं खुद गिर गया मैम थोड़ी देर पहले, मैं मोटरसाइकिल लेके खुद ही गिर गया, कपड़े चेंज किए मैं घर जाकर, अभी अभी हमने देखे सर थे वो भी गिरने वाले मैम, पूरे कपड़े गिले हो गए थे, मैं गिर गया था यहाँ पर जी भी, अभी मैं घर के चेंज करके आया हूँ कपड़े, बहुत बुरी हालत है मैम। आए थे मैम बंदे आए थे, खाली उन्होंने तानाबाजी की काम किया चले गए मैम जी, मतलब फॉर्मेलिटी करके, फॉर्मेलिटी मैम, फॉर्मेलिटी पे काम हो रहा था। कितनी देर से ऐसी कंडीशन है ये बताइए? मैं सुबह से रोज होती है आज ही, मैं काफी मैं होते रहती है, मैं बीच में सर होते रहती है मैं, बारिश आ जाए ना दुकानों के अंदर पानी जा रहा है मैम, दुकानों के अंदर पानी जाता है यहाँ से, बहुत बुरी हालत है मैम। आप देख रहे हैं माधुर जी, ये कहना चाहता हूँ कम से कम यहाँ सफाई कराई जाए, बिल्कुल मैं अपने मेरे हिसाब से देखो मैम इधर के पता करें मैं क्या हालत है। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से, डिप्टी मेयर से, क्योंकि कहीं ना कहीं गुजरती होंगी पूर्णिमा जी भी यहाँ से, हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि स्मार्ट सिटी कहने से नहीं बनती है, स्मार्ट सिटी ग्राउंड लेवल पर काम करने से बनती है, वो जनता डिसाइड करती है कि स्मार्ट सिटी है या नहीं है। एक नमूना हमने दिखाया आपको, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द सिटी है, आप देख रहे हैं जिस कदर यहाँ पर जो मार्केट है, JDA कॉम्प्लेक्स है, और ये रघुनाथ बाजार से ऊपर आती हुई मार्केट है, और यहाँ पर आप देखिए होलसेल मार्केट है, हर दुकानदार यहाँ पर आता है, यहाँ से जाना है हमारी दुकान पे, हम कैसे जाएंगे मैम बताइए, खुद बताइए बिल्कुल बिल्कुल, आगे देखो मैं बुरी हालत है मैम, हमारे दुकान पे काम ही नहीं है, अब लगता है यहाँ पे मेयर साहब को बोलेंगे कोई बोट वोट का इंतजाम कर दें ताकि लोग बोट के माध्यम से दुकानों तक पहुँचे, ये भी अब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में ये भी लाइए। हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर से ये प्रार्थना जरूर करेंगे कि व्यापारियों की नहीं बल्कि यहाँ के जो ग्राहक हैं उनकी भी समस्या को मद्देनजर रखा जाए, क्योंकि अभी गर्मियां शुरू हुई हैं, एक तरफ बड़ी मुश्किल से अभी भी पूरी तरह से कोरोना से हम बाहर नहीं आए हैं, ये जो चीजें हैं ना ये कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत देती हैं, कोरोना जैसी बीमारियों को और घातक करती हैं, तो इन चीजों पर भी ध्यान देना जरूरी है। अपने एसी रूम पर बैठकर बड़ी बड़ी बातें मीडिया के माध्यम से करना वो जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि जनता को किन परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, तो हम जरूर उम्मीद करते हैं कि जो ये वीडियो मेयर साहब के पास पहुंचेगी तत्काल वो इनकी समस्या को जरूर समाधान करेंगे। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे मरता अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।